हेलो बच्चों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिलोक्स यानी सिलोजिस्म जिसको कहते हैं, और हिंदी में न्याय संगत यानी न्याय निगमन के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो हर एक वन डे एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो 2-3 प्रश्न आने वाले हैं एग्ज़ाम में वो आपके आज के बाद गलत नहीं होने वाले हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं कोई वेन डायग्राम का यूज़ नहीं करूँगा इस चैप्टर में। ठीक है, आपको कुछ वैल्यू याद रखना होगा और उसी वैल्यू से इस प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई पेन एंड कॉपी के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम प्रश्न मतलब इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है सिलोक्स यानी न्याय निगमन या न्याय संगत। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ध्यान समझिएगा, अगर ये चैप्टर पढ़ना पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चैप्टर में देखिए होता क्या है, इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं, कथन यानी स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कितने यानी कथन कितने हो सकते हैं, कथन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है, तो कथन इसमें कुछ दिए जाते हैं और इन्हीं कथन से कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। निष्कर्ष को इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन, कुछ निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या रहता है, स्टेटमेंट दिया जाएगा और कंक्लूजन दिया जाएगा और आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा, और यहाँ पास उस ऑप्शन में कहेगा कि पहला निष्कर्ष सही है, ठीक है, या पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है, यानी इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना होगा आपको कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसी स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बना होता है, और उन कंक्लूजन को आपको छांटना कि कौन सा कंक्लूजन यानी कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष नहीं सही है। तो जो निष्कर्ष सही होगा तो उस निष्कर्ष को कहेंगे कि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कुछ इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको टिक करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम आज समझते हैं कि जो निष्कर्ष यहाँ पास जो दिए जाते हैं यानी जो स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट का जो निष्कर्ष बना होता है वो कुल कितने प्रकार से निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पास अगर मैं बात करूँ तो निष्कर्ष जो होंगे कुल 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला निष्कर्ष ऐसा होता है जो 100% ट्रू होते हैं, 100% ट्रू होंगे, ट्रू यानी सत्य होंगे। ठीक है, अगर कोई निष्कर्ष 100% सत्य है, ठीक है, अगर कोई निष्कर्ष 100% सत्य है तो ये समझना आप कि ये निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये जो निष्कर्ष होगा वो अनुसरण करेगा। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष कैसे होते हैं, दूसरा निष्कर्ष होते हैं 100% फॉल्स होते हैं, 100% फॉल्स होते हैं। अगर 100% मेरे प्यारे बच्चों फॉल्स निष्कर्ष है यानी असत्य निष्कर्ष है, असत्य, अगर 100% असत्य है निष्कर्ष, असत्य निष्कर्ष है, तो ये अनुसरण नहीं करेगा, ये अनुसरण नहीं करेगा, ये अनुसरण नहीं करेगा। तीसरा निष्कर्ष ऐसा होता है जो पॉसिबिलिटी में होता है यानी संभावना में होता है, संभावना में। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के ही निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं इस चैप्टर से। कुल मिलाकर 3 प्रकार के प्रश्न यानी 3 प्रकार के निष्कर्ष बने होते हैं, जिसमें से आपको 100% ट्रू निष्कर्ष छांटना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम समझते हैं कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और फिर इससे निष्कर्ष कैसे बनते हैं इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ स्टेटमेंट्स यानी कथन की। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की यदि मैं बात करता हूँ तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 प्रकार के होंगे। अगर मैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, और दूसरा होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स।
ठीक है। दो प्रकार के आपको मतलब कथन दो ही प्रकार के देख सकते हैं, एक तो होगा यूनिवर्सल और एक होगा पर्टिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास आपको ध्यान ये रखना है कि यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट्स होंगे ठीक है उसमें 100% जानकारी दी गई होती है, यानी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो 100% होते हैं ठीक है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो 100% होगा, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो 100% होगा। कितना होगा? 100%। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं वो 100% सही होती हैं ठीक है, 100% इन्फॉर्मेशन होती हैं। और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो 100% से कम होता है, लेस देन 100%, 100% से कम होता है। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो 100% से कम इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं, और जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं यानी सार्वभौमिक कथन जो होते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसमें जो जानकारी होती है वो 100% होती है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि भाई 100% इन्फॉर्मेशन कब होगा और 100% से कब कम होगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा। अगर 100% आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स पहचानना है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं और पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स कौन होते हैं, तो आपको कुछ वर्ड मतलब याद रखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स पहचानना है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स कौन से हैं, तो आपको दो वर्ड याद रखना होगा। एक तो याद रखना होगा आल, आल यानी सभी ठीक है, और आपको याद रखना होगा कोई नहीं, कोई नहीं यानी नो ठीक है। ये दो वर्ड अगर किसी भी स्टेटमेंट्स के पहले यानी किसी कोई भी स्टेटमेंट्स यदि इस शब्द से शुरुआत हो रहा है यानी सभी से शुरुआत हो रहा है, जैसे मान लो सभी आम सेब हैं ठीक है, सभी अनार अमरूद हैं, ऐसे करके अगर सभी से स्टार्ट हो रहा है तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है। जैसे मान लीजिए यहाँ पास कोई नहीं, कोई आम सेब नहीं है, यानी कोई नहीं या नो का या नन का अगर प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं ठीक है। तो जो आल से स्टार्ट होंगे इस स्टेटमेंट्स को हम पॉजिटिव कहेंगे, जो आल से स्टार्ट होंगे यानी सभी से शुरुआत होंगे उस स्टेटमेंट्स को हम पॉजिटिव कहेंगे, और जो कोई नहीं से शुरुआत होंगे उस स्टेटमेंट्स को हम निगेटिव कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा ठीक है। अब हम समझते हैं कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पास आपको दो वर्ड दिखेंगे, एक तो दिखेगा सम, सम यानी कुछ, कुछ दिखेगा। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट्स यानी किसी भी कथन का शुरुआत सम यानी कुछ से हो रहा है तो समझ लेना वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं ठीक है। और दूसरा शब्द यहाँ पास दिखेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी सम नॉट, सम नॉट। अगर किसी भी कथन की शुरुआत कुछ नहीं से हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो जो है यानी सम नॉट से हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो जो है किस मतलब कौन सा होगा, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ठीक है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो अब दूसरा पॉइंट आपको समझना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पास चार प्रकार के स्टेटमेंट्स को बनाना सिखाया, यानी जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो चार प्रकार से ही रहेंगे। देखिए कौन कौन से रहेगा, कैसे कैसे बन सकता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जैसे मान लेते हैं ऐसे दे दिया, सभी आम सेब हैं। देखिए ये पहला स्टेटमेंट्स है। दूसरा स्टेटमेंट्स यहाँ पास बना सकता है कैसे, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। तीसरा स्टेटमेंट्स यहाँ पास बना सकता है कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट्स यहाँ पास बना सकता है कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चार प्रकार से स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पास आपको समझना ये है, मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पास जो शुरू में होता है ठीक है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और जो इसके सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कहेंगे ठीक है।
तो यानी कोई भी स्टेटमेंट्स है तो उसमें दो चीज़ होंगे, एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी स्टेटमेंट्स आपके पास लिखा हुआ है तो उसमें दो ही चीज़ होंगे, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी मतलब स्टेटमेंट्स हो या निष्कर्ष, यानी जो कथन हो चाहे निष्कर्ष हो, यानी उसमें जो होंगे यही चार तरीके से मतलब निष्कर्ष और कथन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से समझिएगा, तो कुछ याद करने वाली पॉइंट है, अब यहाँ से देखो याद करना भी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सबसे पहला मेरा नियम जो है, नियम फर्स्ट ये है कि आपको याद क्या करना है। तो पहला चीज आपको ये याद रखना है कि कभी भी आल, आल यानी सभी, अगर सभी आए, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पास आप कुछ वैल्यू याद रखना है। अगर आल यानी सभी आ जाए तो सब्जेक्ट के लिए आपको 100, 100, 100 और 50 याद रखना है, 150 याद रखना है। अगर आपको सभी, सभी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या याद रखना होगा, 100 और 50 याद रखना होगा, ठीक है। अगर सम से स्टार्ट हो रहा है, सम यानी कुछ से, अगर कुछ से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट्स यानी कथन, तो आपको याद रखना है 50, 50। अगर कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो 50, 50 याद रखना है। अगर कोई नहीं से स्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं, अगर उस स्टेटमेंट्स में कोई नहीं शब्द आ रहा है तो आपको याद रखना है नो के लिए 100, 100, 100, 100, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, यानी सम नॉट, सम नॉट, तो इसके लिए आपको याद रखना है 50 और 100, 50 और 100, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर सभी, सभी आया तो सब्जेक्ट के स्थान पर 100 याद रखना और ऑब्जेक्ट के स्थान पर 50 याद रखना। सम आया तो 50, 50, कोई नहीं आया तो 100, 100, कुछ नहीं आया तो 50, 100, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पास प्रश्न लिखा हुआ, तो ध्यान समझिए, यहाँ पास तो सभी आया तो सभी के लिए हम याद रखेंगे सब्जेक्ट के लिए 100 और ऑब्जेक्ट के लिए 50, कुछ आया तो सब्जेक्ट के लिए 50 और ऑब्जेक्ट के लिए 50, कोई नहीं आया तो सब्जेक्ट के लिए 100 और ऑब्जेक्ट के लिए भी 100, ठीक है। कुछ, कुछ नहीं आया तो यहाँ पास क्या होगा, सब्जेक्ट के लिए 50 और ऑब्जेक्ट के लिए 100, यानी इस तरह वैल्यू आपको पुट करना याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें याद रहना चाहिए। देखिए इतना पॉइंट आपको याद ही होना चाहिए, अगर ये याद रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि कथन के आधार पर निष्कर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा यहाँ पास। कथन के आधार पर, कथन के आधार पर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कथन के आधार पर निष्कर्ष जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तो इसको समझना है हमें, कथन के आधार पर, ठीक है। तो निष्कर्ष अगर हम देखें तो कथन के जो आधार पर जो कंक्लूजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। तो एक तो होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है, एक डायरेक्ट कंक्लूजन होता है और एक होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन यानी एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष होता है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, निष्कर्ष एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष और एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष यानी कुल मिलाकर जो कथन के आधार पर जो कंक्लूजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट कंक्लूजन होता है और एक इनडायरेक्ट, यानी एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से यहाँ पास समझिएगा, जो प्रत्यक्ष निष्कर्ष होते हैं ये केवल एक ही कथन से निकले हुए होते हैं। जब केवल एक ही कथन से कोई निष्कर्ष निकलता है तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष। जब यहाँ जो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये दो या दो से अधिक कथनों से मिलकर बने होते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वे होते हैं जो दो या दो से अधिक कथन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पास क्या बताया, ये केवल एक कथन से, केवल एक कथन से, केवल एक स्टेटमेंट से ही निकले होते हैं ये, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये दो से, दो या, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक कथन से ये निकले होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा।
तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष जो होते हैं वो केवल एक ही कथन से निकले होते हैं, जो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होते हैं वो दो या दो से अधिक कथन से निकले होते हैं। अब जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष कंक्लूजन, सॉरी डायरेक्ट जो कंक्लूजन होता है यानी प्रत्यक्ष जो निष्कर्ष होते हैं उस तरह अगर उससे प्रश्न बनते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसके कुछ हम नियम सीखते हैं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष के कुछ नियम सीखते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। देखिए नियम क्या होते हैं, तो सबसे पहले नंबर तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि सभी आया तो 150, सम आया तो कुछ यानी 50-50, कोई नहीं आया तो सम मतलब 100-100 और कुछ नहीं आया तो 50-100, ये चीज़ याद रखना है। तो दूसरा चीज़ आपको और यहाँ पास याद ये रखना है कि यहाँ पास जो है अगर सभी आएगा तो समझ लेना ये जो कथन है वो पॉजिटिव है, सभी से अगर शुरुआत हो रहा है यानी कहीं पास नहीं शब्द नहीं लिखा है तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव है। कुछ से अगर स्टार्ट हो रहा तो ये पॉजिटिव है, अगर कोई नहीं आया तो ये निगेटिव है, कुछ नहीं आया तो ये निगेटिव है, यानी यहाँ पास दो पॉजिटिव हैं और दो निगेटिव हैं। अब हम प्रत्यक्ष निष्कर्ष को कैसे हम निकालेंगे तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पास तो इसके दो नियम होते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, मैं क्या बताने वाला हूँ, डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के नियम, प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के नियम। ये 100% देखिए जो भी ये निकलेगा प्रत्यक्ष निष्कर्ष जो भी निकालेगा वो 100% ट्रू होगा, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पास ये भी कह सकते हो 100% ट्रू निष्कर्ष निकालने के नियम, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। देखो तो पहला नियम क्या है, तो पहला नियम हमारा ये कहता है कि यदि आपके पास स्टेटमेंट, ध्यान समझिएगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट और यहां पास हम लिख देते हैं कंक्लूजन, मतलब इसको हम कथन कहेंगे और इसको हम निष्कर्ष कहेंगे, निष्कर्ष। तो पहला नियम हमारा यह कहता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, स्टेटमेंट्स धनात्मक है, अगर आपके पास स्टेटमेंट्स धनात्मक है तो इससे निकलने वाला निष्कर्ष, इससे यानी इस स्टेटमेंट से निकलने वाला निष्कर्ष सदैव धनात्मक होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगर आपके पास कथन धनात्मक है तो इससे निकलने वाला निष्कर्ष भी धनात्मक होगा। दूसरा नियम है, अगर आपके पास कथन ऋणात्मक है, ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, तो इससे निकलने वाला या इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट नियम। तो फर्स्ट नियम मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अगर कथन धनात्मक होगा तो निष्कर्ष भी धनात्मक होंगे, अगर कथन ऋणात्मक होंगे तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये था पहला नियम। अब नियम नंबर दो, नियम नंबर दो, तो नियम नंबर दो में क्या होगा, यहाँ पास जो स्टेटमेंट्स है तो स्टेटमेंट्स को हम कह सकते हैं इनकम, क्या कह सकते हैं, इनकम, इनकम यानी आय, आय कह सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स को इनकम यानी आय कह सकते हैं, और जो कंक्लूजन होता है उसको हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्च। अब यहाँ पास समझिएगा, अगर इनकम, इनकम और खर्च का ध्यान समझ लीजिए, इनकम और खर्च क्या है आप समझिए ध्यान से, तो जो मैंने यहाँ पास वैल्यू जो लिखवाया ना, 100, 50, 50, 100, 100 और 50 और 100, ये जो मैं वैल्यू लिखवाया हूँ, ठीक है, ये कथन में भी हो सकते हैं और निष्कर्ष भी हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो मान लेते हैं कथन में, कथन में जो भी लिखा हुआ है आपके पास, स्टेटमेंट्स में जो भी वर्ड लिखे गए हैं, तो वहाँ पास इसी से स्टार्ट होगा, सभी से स्टार्ट हो सकता है, कुछ से स्टार्ट हो सकता है, कोई नहीं से, तो कोई कुछ नहीं से, इसी से तो स्टार्ट होगा। तो अगर ऐसे कुछ कभी भी लिख रहा है तो यहाँ पास ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी मान लेते स्टेटमेंट्स में 100 रुपये 100 वैल्यू लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 100 रुपये कमा रहा है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दूं कि सभी आम सेब हैं, ठीक है, तो सभी आम सेब हैं, तो यहाँ पास ध्यान समझिएगा, मैंने एक कथन दिया, सभी आम सेब हैं, मैंने ये कथन एक लिखा, तो आम यहाँ पास 100 रुपये है और सेब कितना है, 50 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि आम 100 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये सेब कमा रहा है, सेब 50 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है यानी किसी की इनकम 100 रुपये है, ठीक है, तो खर्च कितना करेगा, तो खर्च वो कर सकता है 100 रुपये। भाई अगर मान लो कोई 100 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये आराम से खर्च कर देगा, अगर कोई आदमी 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये खर्चा कर सकता है। तो कथन में जो भी चीज़ लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पास एक कथन में लिखा आम सेब, ठीक है, तो जो भी कथन में रहेगा और वैल्यू जो भी आएगा वो कमाई यानी उसकी इनकम होगी,
ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर यानी जो निष्कर्ष में जो भी चीज लिखा हुआ है वो एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्च होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो इनकम अगर 100 रुपए किसी का है तो खर्च भी 100 रुपए आराम से कर सकता है, अगर वो इनकम 100 रुपए किसी का है तो 50 रुपए भी खर्च कर सकता है। भाई 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए भी खर्च कर सकता है, और 100 रुपए कमा रहा है तो 50 रुपए भी खर्च कर सकता है, सही है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर मान लेते हैं किसी की इनकम 50 रुपए है तो क्या वो 100 रुपए खर्चा कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 50 रुपए कमा रहा है 100 रुपए कैसे खर्चा करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट और यह है कि भाई 50 रुपए अगर कमा रहा है तो 50 रुपए ही खर्चा कर पाएगा, 50 रुपए ही खर्चा कर पाएगा। तो आपको इतना चीज अगर याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और आप तुरंत प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। पहले मैं एक बार दोहरा देता हूँ, आपको ये चीज याद रखना है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट सभी यानी मतलब सभी से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो 100 50 उसकी वैल्यू होगी, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर 100 होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर 50 होगा। अगर कोई भी निष्कर्ष सम यानी कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो 50 50 उसकी वैल्यू होगा, कोई नहीं के लिए 100 100 याद रखना है, और कुछ नहीं के लिए 50 और 100 याद रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़, हमको डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने के लिए या 100% ट्रू निष्कर्ष निकालने के लिए आपको एक नियम याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट्स यानी जो कथन धनात्मक होगा तो निष्कर्ष भी धनात्मक होंगे, अगर ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक होगा निष्कर्ष, अगर स्टेटमेंट्स ऋणात्मक यानी निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होंगे। तीसरा नियम आपको याद रखना है कि इनकम अगर कोई 100 रुपए कर रहा है तो 100 रुपए वो खर्च भी कर सकता है, 100 रुपए अगर इनकम कर रहा है तो 50 रुपए भी खर्च कर सकता है, अगर 50 रुपए खर्च मतलब कमा रहा है तो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता है, अगर 50 रुपए कमा रहा है तो 50 रुपए ही खर्च कर सकता है। इतना चीज यदि आपको पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप तुरंत सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। अब इसको मैं रफ करता हूँ और कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर समझ में आएगा। तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं, पहले हम पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट्स वाले, वन स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्वेश्चन, वन स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्वेश्चन। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, वन स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्वेश्चन। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कथन दिया गया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पास कथन मान लेते हैं, फर्स्ट कथन है आपके पास, ठीक है। यहीं पास लिखते हैं, सभी आम सेब है, मैंने एक कथन लिखा यहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास मैं कुछ निष्कर्ष लिखने वाला हूँ, कुछ मैंने निष्कर्ष लिखा, निष्कर्ष फर्स्ट है, कुछ आम सेब हैं। निष्कर्ष सेकंड, देखिए जैसा कि आपके सामने मैंने एक कथन लिखा और इसके 5 निष्कर्ष लिख दिए, तो आपको अब इसमें बताना है कौन से निष्कर्ष सही है यानी 100% ट्रू है और कौन से निष्कर्ष 100% फॉल्स है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो कथन यहाँ पास लिखा गया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये बताइए, जो कथन यहाँ पास लिखा गया सभी आम सेब है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो मैंने अभी पहले नियम में ये बताया था कि अगर कथन पॉजिटिव है तो उससे बनने वाले निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे। तो ये बताओ, कथन पॉजिटिव है तो यहाँ पास देखो तो ये जो निष्कर्ष चौथा और पांचवा लिखा, ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब इसको देखते ही गलत कर दो कि ये गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष निगेटिव बन रहा, तो ये गलत हो गए, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव है तो ये बन सकता है, हो सकता है ये पॉजिटिव ये भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पास हमको चेक करना है कि यहाँ पास इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब चेक करना है, तो इनकम यानी आय, तो ये बताइए सभी आम सेब है तो सभी से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पास सब्जेक्ट की वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे 100 होता है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितना होता है, 50 होता है, 100 50 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पास चेक करिए कि कुछ आम सेब है तो जो निष्कर्ष में लिखे होते हैं वो सब खर्च होता है, और जो कथन में होता है वो कमाई होता है, यानी आम 100 रुपये कमा रहा है, सेब 50 रुपये कमा रहा है, ध्यान समझिएगा यहाँ पास। तो ये बताइए, कुछ आम सेब है तो कुछ के लिए मैंने बताया था रूल 50 50 आपको याद रखना है, कुछ के लिए 50 50 याद रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान 50 50, सभी आया तो क्या याद रखोगे 100 50 100 50 100 50, ये याद रखना। तो ये बताइए यहाँ पास, अगर कुछ आम सेब है, ठीक है, तो यहाँ पास आम कितना रुपए कमा रहा है, 100 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए आराम से खर्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेब 50 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए सेब खर्चा भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये वाला निष्कर्ष हमारा सही है,
सही हो गया। अब इसको देखिए, कुछ सेब आम है तो 50-50 रुपए, यहाँ पास 150 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। सही है, अब यहाँ पास देखते हैं तो आम यहाँ पास 100 रुपए खर्च कर रहा है और यहाँ पास आम कितना खर्चा कर रहा है, सॉरी कमा रहा है 100 रुपए, तो 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी तीनों निष्कर्ष सही है, तीनों निष्कर्ष सही है। अगर एक निष्कर्ष यहाँ पास ऐसे हो जाता, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए छठवां निष्कर्ष मैंने ये लिख देता, सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, अगर ये निष्कर्ष लिखा होता, ठीक है, तो क्या ये सही होता? तो देखते हैं, यहाँ पास सभी के लिए 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। तो अब देखिए कमाई चेक करते हैं यहाँ पास, तो ये बताइए कमा रहा है आम 100 रुपये और खर्च कितना कर रहा है, 50 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सेब यहाँ पास कमा रहा है 50 रुपये और खर्च कर रहा है 100 रुपये, इसलिए गलत हो गया। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, अब इसको ध्यान समझिएगा, अगर कभी भी री स्टेटमेंट्स यानी रिपीट किया गया वही स्टेटमेंट्स कंक्लूजन में लिख दिया जाए, जैसे देखिए सभी आम सेब है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सभी आम सेब है, यानी री स्टेटमेंट दिया जाए, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स में लिखा है वही चीज़ कंक्लूजन में लिख दिया जाए, तो वो गलत माना जाएगा, यानी ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अच्छा बैंक में केवल छोड़ना है, बैंक को छोड़कर सभी एग्जाम इसको गलत मानते हैं, लेकिन बैंक इसको सही मानता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए हमको वीडियो को यहीं पास रोकना पड़ रहा है, और इसके हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और दो स्टेटमेंट से और तीन स्टेटमेंट से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।